किचन में आप सबों को खुश आमदी। आज हमारे यहाँ कुर्बानी है, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, कोरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक मुट्ठी लहसुन, धनिया और हरी मिर्च, इसको हरा मसाला पीसेंगे। एक प्याली हमने बिरिस्ता लिए और काजू लिए एक प्याली, और 3 किलो चावल पकाएंगे, उस हिसाब से गोश भी पकेगा। हरे मसाले में ही मैं काजू भी पीसूँगी और ये बिरिस्ता भी। और अभी सब काट रहे हैं, आवाज़ आती होंगी बच्चों की। ये हमारा पकाने का गोश है 3 किलो, इसे हम मैं पहले धोती हूँ। प्याज और टमाटर मैंने चढ़ा दी हूँ, फ्राई की हूँ उसे। अब डायरेक्ट मसाले डालेंगे, एक तरफ चावल चढ़ा दी, इसमें गोश्त डालेंगे। प्याज टमाटर मैंने 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, बच्चा पार्टी दावत कुर्बानी की। होम मेड मड़ा कोरमा मसाला, साथ में चिकन मसाला डाली हूँ थोड़ा, 2 टीस्पून, और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मटन मसाला, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, हल्दी और गरम मसाला 1-1 टीस्पून, और बाकी सब 2 टीस्पून। मिक्स मसाला डाल दूँगा सब, इसमें अभी थोड़ा तंदूरी मसाला भी डालूँगी, होम मेड तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे अभी दही और अपना पिसा हुआ मसाला, हरा मसाला, काजू, बिरिस्ता, साथ में डालेंगे दही। फ्रिज में ये अभी आधा गल चुका है, इसमें और 1 किलो गोश्त मैंने कुकर में चढ़ा दी हूँ, वो बॉयल करके इसमें डालूंगी। सालन पूरा तैयार होने के बाद में चावल का हमारा पक चुका है, ये कोरमा तैयार होगा, फिर मैं मिलती हूँ। माशाल्लाह हमारा कुर्बानी स्पेशल मटन कोरमा अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी भी हुई। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा कोरमा और राइस और टमाटो तैयार है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी और एक रेसिपी के साथ, और ये मेरा राइस और कोरमा सब आप लोगों के लिए।